हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको लेके जाने वाले हैं देहरादून के फेमस मानक सिद्ध मंदिर में। दोस्तों, हमने अपनी यात्रा ISBT देहरादून से शुरू की है। आज की इस वीडियो में हम आपको ISBT देहरादून से मानक सिद्ध मंदिर तक का पूरा रास्ता भी दिखाने वाले हैं और पूरा मंदिर भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। दोस्तों, जहाँ पर हम हैं यहाँ से हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे देहरादून का ISBT है, जहाँ से सारी बसें चलती हैं। और अभी हमें क्या करना है, यहाँ से जो राउंड सर्किल है इधर से देहरादून सिटी की तरफ मुड़ जाना है। मानक सिद्ध मंदिर की एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो है बुड्डी गांव शिमला बाईपास रोड। तो वहाँ कैसे पहुँचना है हम आपको बताते हैं। अब हम देहरादून सिटी की तरफ मुड़ गए हैं। आपको सीधा सीधा आगे चलना है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी दूरी पे, हार्डली 300 से 400 मीटर आपको आगे चलना है। आपको शिमला बाईपास का चौक दिखेगा, शिमला बाईपास के चौक तक आपको सीधा चलना है। दोस्तों, ISBT देहरादून से मानक सिद्ध मंदिर का अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस लगभग 12 किलोमीटर है। दोस्तों, अब ठीक सामने आप देख रहे हैं कि यातायात रुका हुआ है, ट्रैफिक जाम है। ये शिमला बाईपास चौक है, यानी यहाँ से आपको लेफ्ट मुड़ जाना है। तो हमने लेफ्ट वाली लेन पकड़ ली, लेफ्ट टर्न जो होता है वो फ्री होता है, तो यहाँ से आपको जो है लेफ्ट मुड़ जाना है। तो ये हम लेफ्ट मुड़ रहे हैं, ये हम शिमला वाली रोड पे मुड़ गए, यानी जो बसें शिमला जाती हैं वो इधर से ही जाती हैं, तो यहाँ पर हम मुड़ गए। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे आप देखेंगे कि फिर से आपको एक चौराहा दिखेगा और आपको कुछ साइन बोर्ड्स भी दिख रहे होंगे। देखिए, ऊपर शिमला बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है, तो आपको शिमला की डायरेक्शन जाना है, यानी बिल्कुल सीधा जाना है। इस चौराहे से आपको कहीं मुड़ना नहीं है। बस अब ये रोड हमने जो पकड़ ली है, इस सीधी रोड पे हमें काफ़ी आगे तक चलते रहना है। आपको हम पूरा रास्ता भी दिखा रहे हैं। अगर आप मानक सिद्ध मंदिर जाते हैं तो नियर बाय अट्रैक्शंस को मिस मत कीजिए। मानक सिद्ध मंदिर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर बुद्धा टेंपल देहरादून पड़ता है, जो कि एक फेमस तिब्बतन टेंपल है। इसे माइंड रोलिंग मॉनेस्ट्री भी कहते हैं। मानक सिद्ध मंदिर से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर डाट काली माता मंदिर भी स्थित है। हमने इन दोनों प्लेसेस पर भी वीडियो बनाए हुए हैं। आप उन वीडियोस को देखकर उन प्लेसेस की भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। देहरादून में 4 सिद्धपीठ हैं, जो कि शहर की अलग अलग डायरेक्शंस में स्थित हैं। ये 4 सिद्धपीठ हैं लक्ष्मण सिद्ध, मानक सिद्ध, कालू सिद्ध और मांडू सिद्ध। इनमें से लक्ष्मण सिद्ध देहरादून पर हमने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पर भी हम उस वीडियो को लगा देंगे। वहां जाके आप लक्ष्मण सिद्ध देहरादून मंदिर की भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। और जो बाकी के 2 सिद्ध हैं, यानी कि कालू सिद्ध और मांडू सिद्ध, उस पर भी बहुत जल्दी हम आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए मैं बता दूं कि नियरेस्ट एयरपोर्ट 40 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि जॉलीग्रांट देहरादून एयरपोर्ट है। इसी तरह से इस मंदिर से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन देहरादून रेलवे स्टेशन ही पड़ेगा, जो कि इस मंदिर से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आप बस से आते हैं तो वो रास्ता तो हमने आपको पूरा दिखाया ही है कि आप ISBT पर उतर सकते हैं, और जो ISBT है वो यहाँ से इस मंदिर से अप्रोक्सीमेट 12 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ से हमको लेफ्ट मुड़ जाना है। अब ये एक कनेक्टेड रोड है, इस रोड पर आपको चलना है। यदि आप लोकल ट्रांसपोर्ट के थ्रू आएंगे तो बाहर मेन रोड पे ही आपको छोड़ देंगे वो, और वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी है जो कि आपको पैदल तय करनी पड़ेगी। तो बेहतर है या तो आपके पास अपना व्हीकल हो या फिर आप कैब बुक करके यहाँ पे आएँ, अदरवाइज मेन रोड से काफ़ी दूरी पड़ती है, 2 किलोमीटर से भी लगभग थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप यहाँ कैब से आएँ या फिर आपका अपना व्हीकल हो। देखिए, अब ये जो कनेक्टेड रोड है ये आपको मानक सिद्ध मंदिर तक ले जाएगी। जनरली देखने में ऐसा भी आता है, जो इस प्रकार के प्राचीन मंदिर होते हैं ये काफ़ी जंगल के बीचों बीच स्थित होते हैं। लक्ष्मण सिद्ध मंदिर के वीडियो में भी आपने ये चीज़ देखी होगी। और मानक सिद्ध मंदिर भी देखिए, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, एक रेसिडेंशियल एरिया है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे जंगल वाला एरिया आपको दिखाई देगा। ये देखिए, अब ये पूरा घना जंगल वाला एरिया आ गया, इसके बीचों बीच ये मंदिर स्थित है। तो इसी रोड से आपको आगे बढ़ना है। आप रास्ते को भी अनुभव कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा रास्ता है, मनमोहक रास्ता है, और यहाँ पर आपको मंकीज भी बहुत सारे मिलेंगे।
तो गाड़ी भी आपको संभल के चलानी है, क्योंकि मंकीज रास्ते में भी रह सकते हैं और आपके हाथ में अगर कोई खाने का सामान है तो आपसे छीन भी सकते हैं। आपके पास कोई पॉली बैग या आपके पास कोई कैरी बैग या पर्स वगैरह है, उसमें आपका कीमती सामान जैसे कि मोबाइल फ़ोन या कार्ड्स वगैरह भी हो सकते हैं, तो उसको भी वो छीन सकते हैं। तो आपको बहुत सावधान रहना है, अपना इस प्रकार का कोई भी सामान आपको अपने हाथ में या अपने पर्स बैग वगैरह में या नहीं रखना है। या तो आप उसे गाड़ी में रखें या आपके मोबाइल वगैरह हैं तो उसे अपनी पॉकेट में। मानक सिद्ध मंदिर हफ्ते में 7 दिन खुला रहता है, सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक ये खुला रहता है। यहाँ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी अभी तक प्रोहिबिटेड नहीं है, यानी आप फोटो भी ले सकते हैं और वीडियो भी बना सकते हैं। अगर हम बात करें बेस्ट टाइम टू विजिट का, तो आप कभी भी यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। संडे वाले दिन यहाँ पर भंडारे होते रहते हैं। इसके अलावा संडे वाले दिन यहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं। देखिए, ट्रैवलर पूरी खड़ी है और ऐसी ऐसी 2-3 ट्रैवलर खड़ी थी जब हम यहाँ पहुँचे, क्योंकि हम भी यहाँ संडे वाले दिन ही पहुँचे थे। तो संडे को आपको यहाँ पर काफ़ी भीड़ देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोग यहाँ पर भंडारे का आयोजन करवाते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्किंग अवेलेबल नहीं है। फॉर्चुनेटली जब हम पहुँचे तो हमें अपनी कार पार्क करने की जगह मिल गई थी। अब हम मंदिर में पहुँच चुके हैं और ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। आप पढ़ सकते हैं सिद्धपीठ श्री मानक सिद्ध मंदिर, यही मंदिर का मुख्य द्वार है और यहाँ से अब हम अंदर की तरफ चल रहे हैं। मंदिर के अंदर आते ही आप एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे। मानक सिद्ध मंदिर के संबंध में प्रचलित है कि यहाँ पर एक मानक सिद्ध नाम के संत रहते थे, जिन्होंने यहाँ पर खूब मेडिटेशन किया था और उन्होंने यहाँ पर काफ़ी लोगों को शिक्षा भी दी और उनकी सफरिंग्स को भी दूर किया। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लॉर्ड शिवा और लक्ष्मी नारायण जी की भक्ति में लगा दी और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर लॉर्ड शिवा ने कहा कि वो यहाँ पर कल्चर एंड रिलीजन के सेफगार्ड होंगे और यहाँ के जो लोग हैं वो उनको जागृत करेंगे। लोगों के दुख दर्द भी मानक सिद्ध बाबा दूर करते थे, ऐसा लोगों का मानना है। अभी भी लोगों का मानना है कि वो शिव के रूप में भक्तों का स्वागत करते हैं और उनका दुख दर्द दूर करते हैं। अब हम जा रहे हैं मुख्य मंदिर में दर्शन करने। ये देखिए, यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी है, लाइन लगी है, तो हम भी इस लाइन में लग गए दर्शन करने के लिए। तो आपको भी इस प्रकार से लाइन में लगना पड़ेगा अगर आप संडे वाले दिन यहाँ पर आते हैं, क्योंकि संडे को यहाँ काफी भीड़ होती है। तो यहाँ पर आप दर्शन कर लेंगे, दर्शन करने के बाद आप प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। यहाँ पर आपको गुड़ का प्रसाद मिलता है। अब हमने प्रसाद ग्रहण कर लिया है और अब हम मंदिर की परिक्रमा ले रहे हैं। मंदिर की परिक्रमा लेकर के फिर हम इस मंदिर में आगे बढ़ेंगे। इसके आगे भी मंदिर है, कई लोग यहीं से वापस चले जाते हैं। तो कई लोगों ने हमसे पूछा भी, क्या इसके आगे मंदिर है? तो इसके आगे भी है, तो आपको पूरा एक्सप्लोर करना है। तो हम आपको लेकर के चलते हैं। जो जाली का दरवाजा आपको दिख रहा है, आप इसको खोल करके दूसरी तरफ चले जाइए। दूसरी तरफ जाते ही आपको दिखेगा कि राइट हैंड साइड में बहुत सारी जालियां लगी हैं, इसके अंदर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में भंडारा तैयार किया जा रहा है, ये देखिए। तो हमने सोचा कि हम भी यहाँ भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो राइट साइड में हम भी बढ़ गए जहाँ से इसकी एंट्री है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ से जो प्रसाद मिलता है, ये देखिए गुड़ का प्रसाद कितना सारा उन्होंने दिया है। हर एक व्यक्ति को इतना सारा गुड़ का प्रसाद उन्होंने दिया, डेफिनेटली इसके पीछे कुछ मान्यता होगी। अब हम चलते हैं भंडारा ग्रहण करने। तो अब हम अंदर आ गए हैं। यहाँ आप देख ही सकते हैं कि कितने सारे लोग हैं जो कि भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। जो भी आएगा यहाँ बैठ के भंडारा ग्रहण करता है। तो हमने भंडारा ग्रहण कर लिया है और अब हम बाहर की तरफ आ रहे हैं। भंडारा ग्रहण करके यहीं से हम फिर और आगे की तरफ बढ़ लिए। आपको मैं बता दूं, और आगे बढ़कर भी एक मंदिर है, तो अब हम उस मंदिर के भी दर्शन कर लेते हैं। भंडारे में यहाँ पर कढ़ी चावल थे और पूरी आलू और इसके अलावा मूंग की दाल का हलवा था जो कि हमने ग्रहण किया, और सभी भंडारे की सभी आइटम बहुत ही टेस्टी थी, जो कि अमूमन होती भी है। भंडारे का टेस्ट हमेशा आप देखना घर के खाने से अलग होता है, जिसका मुख्य कारण है कि उसमें फीलिंग्स जुड़ी होती हैं। अब हम इस मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं जो कि भंडारा हॉल से थोड़ी ही आगे है और ये मंदिर कुछ ऊंचाई पर भी बना हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं शिव, भोलेनाथ और बाकी देवी देवताओं की मूर्तियां आपको मिलेंगी। तो
तो यहाँ पर भी भगवान जी के दर्शन करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। अब हमने देखा कि ये मंदिर चूंकि थोड़ी हाइट पे था, तो यहाँ से नीचे की तरफ जब भंडारे का आयोजन हो रहा है वो जगह यहाँ से कैसी दिखती है, तो हम आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये हम ऊपर से शूट कर रहे हैं जहाँ नीचे भंडारा हो रहा है। कितना खूबसूरत दृश्य लग रहा है, क्योंकि सभी लोग यहाँ भंडारा कर रहे हैं और ये स्वयं सेवक हैं, वॉलंटियर हैं, जो कि सबको भोजन सर्व कर रहे हैं। तो इसी तरह से हर संडे डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज यहाँ पर आकर के भंडारा करवाती हैं, जिसके पीछे सबकी अपनी अपनी अलग अलग मंशा और श्रद्धा होती है। ये मंदिर का बैक साइड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ झूले लगे हुए हैं जो कि मंदिर कैंपस में ही हैं, तो अगर आपके साथ छोटे बच्चे हो यहाँ एंजॉय भी कर सकते हैं, और थोड़ा ही आगे जाके वॉशरूम फैसिलिटी भी यहीं पर इसी साइड आपको देखने को मिलेंगी। तो अब ये पार्ट विजिट करके हम वापस मंदिर की तरफ से जब बाहर आ रहे थे, तो हमने देखा कि वहाँ पर भजन कीर्तन का कुछ प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें काफी सारी लेडीज मिलकर भजन गा रही थी और भजन पर डांस भी कर रही थी, आप सामने देख सकते हैं। तो इस तरह से ये लोग अपने संडे का उपयोग कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। दूसरी ओर आप देखते हैं कई सारे लोग गलत एक्टिविटीज में संडे का दिन गुजारते हैं, ड्रिंक करते हैं, पार्टीज करते हैं, उससे तो कई गुना ज़्यादा बेहतर है कि अपने संडे का सदुपयोग किया जाए। और इस प्रकार की जगह पर आप आ सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं और साथ ही भंडारा करवा सकते हैं। तो दोस्तों, हमेशा हमें अच्छे कृत्य करने चाहिए। तो ये मंदिर से अब हम बाहर की तरफ आ गए हैं, और बाहर आप देख सकते हैं छोटे छोटे वेंडर्स हैं, जैसे आइसक्रीम वाले और या बाकी गोलगप्पे वाले, तो आप इनका आनंद भी यहाँ पर उठा सकते हैं।